एवरीवन, आज हम बात करेंगे जेरो में हम कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे एडवाइजरी सर्टिफिकेट का प्रोसेस करते हैं। सो मैं सिंपली जेरो की साइट पे आ गया। यहाँ ट्राई जेरो फॉर फ्री। अब यहाँ मैं अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ फिल करूँगा। नेम, देन आफ्टर लास्ट नेम, देन आफ्टर ईमेल, ईमेल आईडी जो मेरा है वो, देन आफ्टर फ़ोन नंबर मैं टाइप करूँगा। लोकेशन में मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट करूँगा, ओके इंडिया। तो फ़ोन नंबर में टाइप करूँगा, आफ्टर ये जो भी मार्क करना है वो आप मार्क कीजिए, ओके। आई एम नॉट रोबोट एंड ऑल थिंग्स। देन आफ्टर जो भी टर्म्स कंडीशन है वो एग्री करेंगे। इसके बाद ओके करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगी, वहाँ से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी, यहाँ मेरी ईमेल आईडी ओपन ही है। यहाँ एक ईमेल आया है जीरो की ओर से एंड मैंने सिर्फ यस किया, यस इट्स मी, ओके। वहाँ क्लिक किया। अब यहाँ से मैं पासवर्ड वगैरह सेट करूँगा, जो भी कंट्री है हमारी वो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ अभी इंडिया ही रहने देता हूँ। देन आफ्टर एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करूँगा। कभी कभार मतलब साइट स्लो चल रही है या मेरा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है प्रोसेस। अब यहाँ एक विंडो ओपन होगी जहाँ हमें बिजनेस नेम वगैरह टाइप करना है। सो मैं अभी डेमो लिख देता हूँ एंड इंडस्ट्री जो भी हमारी होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर इट कंट्री सिलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर लास्ट डे ऑफ योर फिनेंशियल ईयर। तो यहाँ इंडिया में तो बट ऑब्वियस 31 मार्च ही है, राइट। देन आफ्टर डू यू हैव एम्प्लॉयज, सो यहाँ नो इट जस्ट मी करूँगा। देन आफ्टर मैं सेव करूँगा। अब ये हमें ऐसा बोलेगा कि आप नॉर्मली लॉगिन करो, जो आपने ईमेल आईडी लिखा है वो पासवर्ड यूज़ करके। सो जो मैंने अभी ईमेल आईडी टाइप किया वही मैं ईमेल आईडी यहाँ यूज़ करूँगा एंड जो भी मैंने पासवर्ड जनरेट किया है वो पासवर्ड यहाँ टाइप करूँगा एंड लॉगिन करूँगा मैं। अब यहाँ है सेटअप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा हमारे सामने एक प्रोसेस मतलब अब करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ दो ऑप्शन है, यूज़ अवर जीरो वेरीफाई ऐप। सो हम जीरो वेरीफाई ऐप से ही आगे जाएंगे, मतलब जो भी जीरो की एप्लीकेशन है फॉर वेरीफिकेशन उसका हम यूज़ करेंगे, ओके। सो मैं यहाँ क्लिक करूँगा यूज़ जीरो वेरीफाई। अब हमें हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ओके। आप सिंपली लिखोगे जीरो वेरीफाई एप्लीकेशन, सो वो डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में से। एंड देन आफ्टर आपको एक यहाँ बारकोड जो है वो स्कैन करना है विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन, मतलब आपका मोबाइल का यहाँ यूज़ होगा, फाइन। सो मैं जस्ट अपने मोबाइल से वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दूँ एंड स्कैन कर दूँ, ओके। इट मे टेक सम सेकंड्स, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। अब यहाँ मैं जैसे ही स्कैन करूँगा बारकोड, हमारा जो भी ऑथेंटिकेशन है वो परफेक्ट हो जाएगा, ओके। देन आफ्टर मैं सिंपली यहाँ कंटिन्यू करूँगा। अगर कभी कभार आपका जो क्यूआर कोड है वो स्कैन ना हो तो आप अगेन भी स्कैन कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने कर दिया परफेक्टली। नाउ मुझे बैकअप ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं यहाँ। आइधर मैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी यहाँ दे सकता हूँ अगर मुझे बैकअप ईमेल आईडी नहीं देना तो। अब यहाँ मैं कोई भी 3 क्वेश्चंस है वो मैं रैंडमली सिलेक्ट करके कुछ भी अभी लिख देता हूँ। मैंने अपना ही नाम लिख दिया। आई थिंक आंसर सेम लिखा है मेरे नाम तो अभी सेव नहीं हो रहा। मैं कुछ चेंज कर देता हूँ किसी नेम में। यहाँ ड्रीम कार में मैं टेस्ला कर देता हूँ अभी एंड सबमिट।
अब सेटअप कंप्लीट यहाँ आ गया, नाउ मैं कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा, सो नॉर्मली ज़ीरो के जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने आएगा, एज यू कैन सी। ओके, यहाँ से हम सब प्रोसेस वगैरह करते हैं। अब हम देखेंगे सर्टिफिकेशन का प्रोसेस, मतलब जो एडवाइज़र सर्टिफिकेट होता है वो कैसे प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे। एक बार मैं ये माई ज़ीरो में जाकर देख लूँ सिर्फ नाम वगैरह। ओके, हमारी एक कंपनी है एंड इन ट्रायल पीरियड है। नाउ सिंपली मैं गूगल पे सर्च करूँगा ज़ेरो सेंट्रल। ओके, ये अलग वेबसाइट है। ओके, सेंट्रल डॉट ज़ेरो डॉट कॉम, मैं ये वेबसाइट ओपन करूँगा अभी। देन आफ्टर मैं लॉग इन करूँगा यहाँ से। अब हमारा ज़ेरो में लॉग इन होगा तो यहाँ डायरेक्टली लॉग इन हो जाएगा। ओके, हमें अगेन पासवर्ड या आईडी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। जस्ट अ मिनट, कोई इश्यू है? ओके, मैं अगेन सेंट्रल ज़ीरो लिख रहा हूँ, सेंट्रल ज़ीरो। अगेन मैं वही वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ओके, इस बार ये कंप्लीट आई। नाउ सिंपली लॉग इन करूँगा एंड मैं ऑटोमेटिकली अंदर लॉग इन हो जाऊँगा। मुझे यहाँ पे एंटर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ हमने ज़ीरो में ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। लॉग इन होने के बाद ऐसा आइकन आएगा हमारे सामने। नाउ सिंपली मैं यहाँ लर्निंग में चला जाऊँगा। अब यहाँ मैं सर्च करूँगा, आइदर आप नीचे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ज़ेरो एडवाइज़र सर्टिफिकेशन। ओके, अब यहाँ हमें सिर्फ क्लिक करना है ज़ेरो एडवाइज़र सर्टिफिकेशन पे। और भी यहाँ अलग अलग कोर्सेस है, आप देख सकते हो अपने हिसाब से। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे सामने ऐसी डिस्प्ले होगी, यहाँ मुझे रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फॉर ज़ेरो एडवाइज़र सर्टिफिकेशन के लिए। अब यहाँ देखिए टोटल 12 मॉड्यूल्स है अलग अलग, हमें वन बाय वन सब मॉड्यूल की एग्ज़ाम देनी है ऑनलाइन। ओके, यहाँ लिखा है इन प्रोग्रेस। अब यहाँ नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह होंगे एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब ट्रायल एंड एरर से भी हम सॉल्व, मतलब जो भी ट्रायल एरर यूज़ करके भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब हर एक मॉड्यूल में एक सब मॉड्यूल मिलेगा आपको। ओके, अलग अलग टाइम वगैरह लिखे होंगे भाई कि ये मॉड्यूल है वो 9 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का, ऐसा सब मिलके टोटल अराउंड 8 to 7 आवर्स का होता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप 3 या 4 घंटे में ये सब एंड कर देंगे। अब जैसे ही मैं अंदर आऊँगा, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मिलेगी रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो आपको रीड करने हैं एंड 3 या 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। वन बाय वन आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, कोई आप क्वेश्चंस वगैरह स्किप नहीं कर सकते, उसके बिना आप आगे ही नहीं जा सकते। एंड आपको चांसेस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि 3 या 4 ट्राई के बाद आप नहीं दे सकते, यू विल गेट सो मेनी चांसेस। ओके, एंड कोई नेगेटिव मार्किंग या ऐसा कुछ नहीं है, सो ट्रायल एंड एरर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ एक दो बार, सबमिट वगैरह करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, मतलब अगर क्वेश्चन आंसर जो आपका होगा वो राइट होगा तो वो ऐसा हो जाएगा एंड कंप्लीट लिखेगा, मीन्स कंप्लीट यहाँ मेंशन होगा नीचे। सो इस तरीके से आपको 12 मॉड्यूल्स के जो भी सब मॉड्यूल है वो सबके आंसर देने हैं। ये सब आप प्रोसेस ख़त्म कर देंगे उसके 5 या 10 मिनट में आपको जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ जनरेट हो जाएगा आपके नेम से। जब भी आप प्रोफाइल वगैरह बनाओ, आपका ने जो नेम है वो प्रॉपर लिखना। ओके, जो भी फुल नेम है उसके साथ लिखना, मीन्स नेम एंड सरनेम प्रॉपर लिखना। ओके, सो उसी नेम से वो सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट होगा। सो इस तरह से आप ज़ीरो में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सिमिलरली सर्टिफिकेट के लिए भी प्रोसेस ऐसे ही कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।